हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कल की डेट में यहाँ पर हमने चार वीडियो से रिलेटेड बातें की गई थी और चार वीडियो में अलग अलग स्टॉक से रिलेटेड, अलग अलग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई थी। तो जाके देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर मार्केट में रह के अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिमाग लगा के मार्केट से पैसा कमा सकते हैं और मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है वो एग्जैक्ट समझ में आता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले 10, अभी तक देखिए हम जब वीडियो बना रहे हैं तो ये स्टॉक्स बाई करिए, ये स्टॉक्स बाई करिए, ये स्टॉक्स बाई करिए, ओके ये स्टॉक अच्छा है, इससे रिलेटिव बातें करते हैं। बट इस वीडियो में ऐसे 10 स्टॉक से रिलेटिव बातें करूंगा जो कल मार्केट ओपन होते ही साथ यहाँ पर गिर सकते हैं, ओके यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है उन स्टॉक्स में। और वो स्टॉक्स एक अगर भागना भी होगा तो कम से कम 1 से 1.5 महीने तो यहाँ पर नहीं चलने वाले, ऐसे इन स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करेंगे। बट ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं तो ऑपरेटर की बातें हम नहीं करेंगे, बट वो स्टॉक्स गिरना तय है कि हाँ यहाँ पर ये गिरते हुए नजर आएंगे, क्या रीजन है तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जानते हैं। बट बिफोर द वीडियो मैं आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी फाइनेंशियल सर्विस लेना चाहते हैं इनकम कंपनी पे, आप हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज हमारे चैनल को आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, और बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिलायंस। रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो काफी बेहतरीन नंबर आते हुए दिखाई दिए, ओके नो डाउट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रिलायंस की बात करते हैं तो काफी अच्छे यहाँ पर नंबर आए हैं। बट यहाँ पर कुछ चीज यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि लगभग $2 बिलियन का यहाँ पर लगभग प्रॉफिट होता हुआ, मोर देन $2 बिलियन का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है। बट स्टिल कंपनी का अगर यहाँ देखेंगे तो 15% का यहाँ पर मार्जिन दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पर अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी का यहाँ पर मार्जिन घटता हुआ नजर आया, और जब भी कभी मार्जिन यहाँ पर घटता हुआ नजर आता है तो सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है यहाँ पर कंपनी के नंबर पे, कंपनी के यहाँ पर चार्ट पे और डेली वाइज पे। तो यहाँ पर देखें तो ये जो कैंडल बनी हुई है एक सपोर्ट लेके, यहाँ पर देखेंगे आपसे एक सपोर्ट लेके ओके ऊपर की तरफ भागी थी, बट कल की डेट में अगर इस सपोर्ट को तोड़ देती है ओके, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट में ये गिरावट होती हुई नजर आए, या एक अगर कल नहीं होती तो कल का मतलब हमेशा कल नहीं होता ओके, कल का मतलब हमेशा एक आध दिन भी हो सकता है, एक आध दिन इसी रेंज में चले और उसके बाद गिरावट होके यहाँ पर तक आ सकती है। तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन इसका सपोर्ट नजर आता है 2524 का। बट अगर कभी भी ये अपने ये अब 3 महीने के अंदर अंदर ही रिजल्ट आएंगे आपको भी पता है, तो 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये कभी भी इस रेंज को तोड़ता है तो याद रखिए एक अच्छी खासी गिरावट होगी जो यहाँ पर इसे 2400 और सीधे 2300 रुपए तक यहाँ तक लेके जा सकते हैं, और एट दैट मोमेंट यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल आ सकता है। एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट टू इन्वेस्ट और टू ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और अभी भी अगर आप करना चाहते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं। अगर ये गिरावट ये लाइन को अगर तोड़ता है, इसे सपोर्ट को तोड़ता है तो याद रखिए कि आप शॉर्ट करके भी यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। तो रिलायंस पहला स्टॉक्स है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक दूसरे स्टॉक्स की जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर का यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। टाटा पावर की अगर हम रिजल्ट देखते हैं ओके, तो आपको यहाँ पर सब चीज समझ में आएगी कि क्यों यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये स्टॉक्स यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स काफी बेहतरीन यहाँ पर हर साल बढ़ती हुई नजर आई है, बट जो खर्चे होते हुए दिखाई दिए वो खर्चे काफी होते हुए दिखाई दिए, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घटता हुआ लगातार यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1250 करोड़ का ही यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जो कि और मार्जिन की बात करें 10% का मार्जिन है जो कि क्वार्टरली और एनुअली दोनों बेसिस पे कम है। तो जहां पर मार्जिन कम हो गया ऑब्वियसली बात है शेयर को यहाँ पर गिरना ही गिरना है। तो यहाँ पर टाटा पावर एक बड़े यहाँ पर आप बात करेंगे तो एक बड़े बेहतरीन सपोर्ट पर चल रहा है। 239 का लेवल जैसे ही टूटा तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने की सोच सकते हैं, और यहाँ पर शॉर्ट करके जब आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो याद रखिए ये शेयर अगेन यहाँ पर 224 और यहाँ पर 200 रुपए के लेवल को भी यहाँ पर टच कर सकता है। और जिस हिसाब से रिजल्ट आया और जिस तरीके लोगों की एक्सपेक्टेशन घटती हुई नजर आई है तो ये शेयर और भी ज्यादा नीचे आके गिर सकता है, तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर गिरने की संकेत है तो यहाँ पर सेल की यहाँ पर राय रहेगी, तो टाटा पावर की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक्स की जिसका नाम है SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर इसके रिजल्ट आए ओके, और रिजल्ट में आप देखेंगे तो
25% का मार्जिन आया है। क्वार्टरली भी देख लीजिए और एनुअली भी देख लीजिए, यहाँ पर घटता हुआ नजर आया है। और ऑब्वियसली बात है, जब हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट अगर थोड़े से भी खराब हो आ रहे हैं, तो यहाँ पर सीधे शेयर यहाँ पर धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेहतरीन सपोर्ट पे अगेन यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और कल की रेट मोड में अगर ये 123.30 रुपए का लेवल तोड़ता है, तो सीधे यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आएगा, तो इसमें भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जब बात की जाती है दोनों साइड कमाने की, ऊपर की भी कमा सकते हैं, नीचे भी कमा सकते हैं, तो नीचे शॉर्ट करके कमाया जाता है, ऊपर बाई लॉन्ग करके कमाया जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट करके यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हैं, बट उसके लिए एक प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर यहाँ पर नॉलेज, ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। उसके बेसिस पे ही यहाँ पर कमाया जा सकता है। तो SCI इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक और पर्टिकुलर स्टॉक है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, जिसका नाम है प्रितेश, PRITES, प्रितेश नंदी, यहाँ पर इस स्टॉक का नाम है। ओके, इस स्टॉक्स पे भी ध्यान रखिएगा। प्रितेश नंदी, ये देखिए, ये स्टॉक है प्रितेश नंदी, तो इस स्टॉक्स पे भी ध्यान दीजिए। ये भी क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसके रिजल्ट काफी बेकार आते हुए दिखाई दिए हैं, बट एनुअली बेसिस पे यहाँ पर मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये शेयर थोड़ा सा अलग दिशा में चल सकता है, तो कल देखा जाएगा। बट स्टिल यहाँ पर इस तरीके का कोई रिजल्ट नहीं आया कि यहाँ पर आप लॉन्ग करने की सोच सकते हैं। तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है, प्रितेश नंदी कम्युनिकेशन, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। बट यहाँ पर और एक बेहतरीन सपोर्ट पे शेयर चल रहा है, और यहाँ पर यहाँ तक ये आने की पूरी कोशिश कर सकता है। और ये लेवल जो इसका निकला 43 रुपए 44 रुपए का है, तो और भी यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पर चांसेस है कि ये इस लेवल को टच करके ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गिर सकता है, बट उसके बाद भागने की कोशिश कर सकता है ये शेयर भी। इसके अलावा एक शेयर और है जिसका नाम है पोशाक। ओके, यहाँ पर देखिए, पोशा की शेयर है, ये भी एक केमिकल कंपनी है और एक बहुत बड़े फंड है, उन्होंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। पोशाक लिमिटेड केमिकल स्टॉक है, और आपको पता ही है केमिकल स्टॉक्स में जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिन यहाँ पर घटता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यों यहाँ मैं नेगेटिव बता रहा हूँ, देखिए क्वार्टरली बेसिस पे तो नंबर अच्छे आए हैं, बट ईयरली बेसिस पे बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर चीजें गिरती हुई नजर आ सकती है, बट एक बेहतरीन सपोर्ट पे ये चल रहा है, और इसी सपोर्ट से ये चीजें ऊपर गई थी। तो यहाँ पर अगर लगभग 9,968 रुपए के आसपास ये शेयर आके फिर यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे सकता है, तो इस शेयर की तरफ यहाँ पर ध्यान देना है। ओके, यहाँ तक ही ये सपोर्ट पे आके या सपोर्ट को और तोड़ता है, तो फिर ये शेयर और नीचे जा सकता है, तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है। एनुअली बेसिस में यहाँ पर नंबर थोड़े से खराब आते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा ओरोसिल स्मिथ, यहाँ पर इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। ओरोसिल स्मिथ, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स पे भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट का खेल है, छोटा सा शेयर है। ओके, इस शेयर के बारे में क्यों बताया जा रहा है, क्यों अगेन यहाँ पर इसके नंबर की अगर हम देखें, तो इसके नंबर थोड़े से खराब आते हुए, थोड़े से क्या, काफी खराब आते हुए दिखाई दिए। एनुअली बेसिस पे तो आप सही कह सकते हैं, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर नेगेटिव में, और यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कुछ ऐसा खास यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो ये लोअर सर्किट अपर सर्किट वाले ये शेयर है, तो यहाँ पर ये शेयर टूट के अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है, और ऑपरेटर इस शेयर को और ज्यादा गिरा सकते हैं, तो ओरोसिल की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक और शेयर है HIL। ओके, इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, इस शेयर की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें, तो लगभग 4 से 4.5% ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया था। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के जो नंबर है, यहाँ ईयरली बेसिस पे मार्जिन पे पूरा इफेक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, 14% से 10% होता हुआ दिखाई दिया है, और क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। HIL ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है, यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये शेयर नीचे की तरफ ऑलरेडी आता हुआ दिखाई दिया है, एक सपोर्ट पे यहाँ पर ये शेयर ऑलरेडी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस सपोर्ट को अगर ये तोड़ता है, तो याद रखिए एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, जो इसे और भी नीचे लेके जा सकती है। तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, याद रखिए इस सपोर्ट को अगर ये नहीं तोड़ता, तो चीजें यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है। बट जिस तरीके का मार्केट का सेगमेंट है, जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं, तो शायद ये तोड़ के 3100, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, ना तो लेने में जल्दबाजी करिएगा और ना ही सेलिंग में जल्दबाजी करिएगा। बट इस लेवल को तोड़ा
तो याद रखिए ये शेयर सीधे यहाँ पर लगभग 2800 रुपए तक भी आ सकता है। चाहे की तरफ ध्यान दीजिएगा, काफी यहाँ पर ये शेयर ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुका है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और शेयर की, जिसका नाम है लूसेंट। लूसेंट इंडस्ट्री ये कंपनी का नाम है। ये सारे के सारे SME स्टॉक्स है कुछ इसमें, तो इस चीज को भी ध्यान देना है। देखिए कंपनी का कुछ भी यहाँ पर बिजनेस है ही नहीं, इसलिए ये शेयर आपको बताया जा रहा है लूसेंट। यहाँ पर आप जाएंगे लूसेंट इंडस्ट्री तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला शेयर है। अपर सर्किट में ऊपर तक ले गए, लोअर सर्किट में नीचे लाए, फिर अपर सर्किट लगाया, तो यहाँ पर कल की डेट में ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं, तो अगर ये भागता भी है तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने की मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर कुछ भी करके आपको ऊपर की पर ले जाके फंसा के यहाँ पर छोड़ सकता है। आपने नंबर देख लिए, कंपनी कुछ नहीं करती, तो लूसेंट की तरफ भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टॉक है जिनी जिनी फिलामेंट, इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ भी आपको ध्यान देना है। 46 रुपए का स्टॉक है जिनी, ओके यहाँ पर। बट इनमें से जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, अगर गिरावट होती है तो उनका आप रिसर्च करके आप यहाँ पर कमेंट करिए, या फिर मैं ही रिसर्च करके आपको बता दूंगा। जो स्टॉक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो ये जिनी की बात करें तो देखिए क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर यहाँ पर इसके मार्जिन में इफेक्ट पड़ा है। कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है बट साथ साथ खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए मार्जिन खराब आ रहा है। तो मार्जिन खराब आ रहा है तो ये शेयर यहाँ पर मुझे आता हुआ साफ दिखाई देता है कि 40 रुपए का लेवल ये टच कर सकता है। और अगर उस लेवल को भी यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए अच्छे खासे सपोर्ट पे ये शेयर चल रहा है, और इससे यहाँ पर ये गिरा तो याद रखिए ये शेयर नीचे आते आते ये शायद 40-39 का लेवल यहाँ पर टच कर सकता है। तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है, जिनी फिलामेंट इस पर्टिकुलर शेयर का नाम है। इसके अलावा हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट नेटवर्क, एक पर्टिकुलर स्टॉक और है एंटरटेनमेंट नेटवर्क। एंटरटेनमेंट नेटवर्क देखिए ये पर्टिकुलर शेयर है, इसकी तरफ भी ध्यान देना है। ये भी शेयर देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे करके घूमता हुआ नजर आ रहा है, बट यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये शेयर पे अच्छा खासा गिरावट आ सकती है, और ये शेयर अच्छा खासा यहाँ पर आपको धोखा दे सकता है। क्यों दे सकता है, इसके लिए यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल्स तो लगभग ईयरली बेसिस पे तो अच्छी है, बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरती हुई नजर आ रही है। बट इसके मार्जिन देखेंगे तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर कंपनी ने फिर भी ठीक ठाक प्रॉफिट में किया है, बट स्टिल इसके मार्जिन और नंबर और नेगेटिविटी सब चीज देखते हुए मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। और ऐसे शेयर अगर ऊपर जाते भी है तो यहाँ पर बिलीव बिल्कुल मत करिए। यहाँ पर ये शेयर सबसे पहले मुझे 194 का लेवल दिखाई दे रहा है, और 193 का लेवल इसने क्रॉस किया तो याद रखिए 161 तक आता हुआ दिखाई देगा। इंट्राडे में यहाँ पर आप शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं, और यहाँ पर ये अगर ये शेयर अच्छा खासा आपको यहाँ पर शॉर्ट में पैसा दे के दे जा सकता है, लॉन्ग में नहीं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर आपको 10 स्टॉक बताया था, बट 11वां स्टॉक भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर के अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरी जो FMCG कंपनी है उनके नंबर कंपैरिजन की बात करूं तो कहीं ना कहीं अच्छे आते हुए दिखाई दिया, बट इसकी सेल्स भी कम हुई है, यहाँ पर खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कंपनी का जो मार्जिन है 25% सीधे 16% होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये शेयर और भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये शेयर कहाँ पर, सबसे पहले तो इस लेवल को याद रखिए, यहाँ तक 148 तक आ सकता है, और यहाँ पर 148 के लेवल को भी अगर इसने गिराया तो ये अपने इस शेयर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये शेयर अपने लो जो इसका कोविड से पहले का भी लो था ना, ओके कोविड के टाइम का लो, उस लेवल को भी यहाँ पर टच करने की पूरी कोशिश कर सकता है। इस शेयर में यहाँ पर शॉर्ट की ही राय रहेगी, इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पर याद रखिए एक एक पाइवट्स पॉइंट जैसे कि 139, फिर इसके बाद 127, और फिर उसके बाद यहाँ 117 तक ये शेयर आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर 11 स्टॉक्स याद रखिएगा, मार्केट में अगर शेयर बहुत सारे शेयर भागते भी है तो बहुत सारे शेयर गिरते भी है, और कुछ अगर ऊपर नीचे होता भी है अगर बताए कि यहाँ पर गिर सकता है बट अपने सपोर्ट से यहाँ पर टच करके ऊपर चला जाता है तो कभी ना कभी नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान से सावधानी से हर चीज को सोच के समझ के यहाँ पर ट्रेड करके यहाँ पर पैसा कमाना है, ना कि यहाँ पर किसी के ही भरोसे पे या फिर मेरे कहने पर ही कि मैंने बता दिया 11 शेयर गिरेंगे, तो यहाँ पर 11 शेयर गिर भी सकते हैं, और कुछ शेयर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है एक्सेप्शनल कि यहाँ पर ऊपर भाग जाए।
तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना, और इन पर्टिकुलर वीडियो पे आप हम कमेंट कर सकते हैं, कोई देख सकते हैं, कोई क्वेरीज हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।